वहीं अयोध्या में विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि कुछ मुस्लिम संगठन श्रीराम जन्मभूमि के फैसले पर पुनर्विचार याचिका डालकर देश का शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो भोलेनाथ और श्री कृष्ण भक्तों को भी अपने संकल्पों का स्मरण करना होगा। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि अभी भक्तों के एजेंडे से विस्मृत नहीं हुआ है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए वे ने कहा कि यह पुनर्विचार याचिका श्रीराम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आयोग उसे मानने को बात करने वाले शांति प्रिय मुस्लिमों का अपमान है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने वाले शांति प्रिय मुस्लिम और फैसले से पूर्व सुनवाई के दौरान ही इसके विरुद्ध माहौल बनाने वाले कट्टरपंथियों की सोच में व्यापक अंतर है। पुनर्याचिका शब्द जो है वो भ्रमित करने वाला है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पुनर्याचिका अदालत के अंदर डाला राम जन्मभूमि को लेकर और कुछ डालने का प्रयास कर रहे हैं, या समाज को भ्रमित करने का उनका अपमान कर रहे हैं, उन मुस्लिमों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। मैं समझता हूँ कि अगर इसी प्रकार से पुनर्याचिका अगर डालते रहेंगे लोग तो आने वाले दिनों में भी भोले भक्तों को और श्री कृष्ण भक्तों को भी अपने उन संकल्पों का स्मरण करना होगा जो उन्होंने ले रखा है। तो इसलिए इस देश में शांति सद्भाव बना रहे और इसका प्रयास होना चाहिए। कुछ लोग जो है मुट्ठी भर लोग जो है इस देश में अशांति का वातावरण पैदा करना चाहते हैं और हम सब एकजुटता के साथ ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार